नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि अभी हम लोग डीजे देशमुख साहब का ओपन कास्ट माइनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओपन कास्ट माइनिंग में हम लोगों ने क्या चर्चा किया कि भैया शुरू में कुछ थ्योरी है, उसके बाद इस बुक में क्या है ना, ओपन कास्ट मशीनरी के बारे में डीपली एनालिसिस दिया हुआ है, ठीक है। तो आज उसी पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, रीपर को स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए रीपर से। रीपर पहले समझ लीजिए क्या है। डोजर के पीछे जो हल वाला जो भाग लगा रहता है ना, हल टाइप का जो जुगाड़, उसी को हम लोग रीपर बोलते हैं। लेकिन ओपन कास्ट माइंस में, डोजर में आप देखिएगा एक ही लगा रहता है, लेकिन ओपन कास्ट माइंस में क्या होता है ना कि रीपर का जरूरत होता है किसी चीज को खुरुचने उरुचने के लिए। तो उस वो जो रीपर जो है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी ट्रैक्टर वैक्टर में हम लोग जुगाड़ बनाकर, देसी जुगाड़ बनाकर उसको फिट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीपर बोलते हैं। रीपर का मेन चीज क्या है कि ऐसे करके नाली खोदना, बात को पहले समझ लीजिए, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन आएगा ना, वो नाली के बेस पे ही आएगा, और ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन क्या आता है, देखिए ध्यान से, कि रीपर चलते समय कितनी गहरी नाली, या नाली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रॉस, खोदता है, कितनी गहरी नाली खोदेगा भैया, तो 0 से लेके 1 मीटर, कितना, 0 से लेके 1 मीटर डीप तक का नाली खोद सकता है रीपर, ठीक। अब बात करते हैं दूसरी, क्या है कि रीपर में दो नाली के बीच का अंतर क्या होगा। क्या है क्वेश्चन, कि रीपर में दो नाली के बीच का अंतर क्या होगा, क्या होगा, 1.2 मीटर टू 1.5 मीटर, 1.2 मीटर टू 1.5 मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं कि रीपर कितने हार्डनेस सरफेस के लिए उपयुक्त माना गया है। मैंने पहले ही बताया आपको, रीपर क्या करता है, खुरचता है जमीन को, ठीक है। तो भैया वो कितना हार्ड सरफेस रहेगा कि जहां पर वो अपना आसानी से खुरचाई का काम कर सके। तो क्वेश्चन क्या निकल के आता है, क्वेश्चन क्या दाग सकता है कि रीपर के लिए कितने हार्डनेस सरफेस को उपयुक्त माना गया, कितना भैया, तो बिलो 5 मॉस्केल। हार्डनेस को किसमें आता है, मॉस्केल, तो कितना होगा, बिलो 5 मॉस्केल, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसके स्पीड, क्या है कि रीपर में लगे ट्रैक्टर की गति चीरने के समय, जब ट्रैक्टर जो है उसके पीछे रीपर लगा हुआ, जब चीरने का काम कर रहा है, तो उस समय ट्रैक्टर का स्पीड क्या होगा, क्या होगा उस समय ट्रैक्टर का स्पीड, 0.8 से लेके 2.5 किलोमीटर पर आवर, कितना है, 0.8 to 2.5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए फिर वही चीरने वाला बात, क्या है अगला क्वेश्चन, कि रीपर में चीरने समय दो नाली के बीच की दूरी क्या होगी, क्या है, रीपर में चीरने समय दो नालियों के बीच की दूरी क्या होगी, क्या होगी, 1 से लेके 2 मीटर, 1 to 2 मीटर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पेलोडर या ट्रैक्टर शावल। आप लोग में से सभी देखा होगा पेलोडर कैसे होता है, माले से उठाया, डंपर में लोड किया। ज्यादातर देखिएगा इसके इस्तेमाल जो होता है ना, वो हम लोग का कहां होता है, डंपिंग यार्ड में, जहां पर मालगाड़ी में लोड करते हैं, साइडिंग में, जिसको बोलते हैं ना हम लोग माइनिंग के भाषा में, कि साइडिंग कहां है हम लोग का भैया, तो साइडिंग में जहां कोयला सारा प्रोडक्शन ले जाकर हम लोग उढ़ेल के रखते हैं, और वहां से क्या करते हैं, पेलोडर से उठा के मालगाड़ी में डालता है। तो इसका मैक्सिमम यूज वही होता है, ठीक है, ओपन कास्ट। चलिए इसका पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि भैया पेलोडर किससे चलता है, डीजल से चलता है या इलेक्ट्रिक से चलता है, तो भैया ये डीजल से चलता है। अब दूसरा चीज, ये पहिया से चलता है या क्लाउडर चेन से चलता है, तो पेलोडर दोनों से चलता है। अगर छोटा पेलोडर है तो वो टायर से चलेगा, अगर बड़ा पेलोडर है तो वो क्लाउडर चेन पे भी चल सकता है, इसमें दोनों चलेगा, ठीक है। अब अगला है कि इसका जो क्या है, बकेट का राइज, लोअर और डंपर, बकेट में राइज, लोअर और डंपर
किससे करेगा, कौन से फंक्शन से करता है, ये करेगा हाइड्रोलिक फंक्शन से या मैकेनिकल फंक्शन, हाइड्रोलिक और मैकेनिकल दोनों से काम करता है। क्या कि बकेट का राइजिंग लोअरिंग और डंपिंग का जो फंक्शन है वो हाइड्रोलिकली और मैकेनिकली कंट्रोल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका बकेट कैपेसिटी का, कि पेलोडर का बकेट कैपेसिटी कितना होता है। कितना होता है भैया, 0.57 क्यूबिक मीटर अपवर्ड, यानी 0.57 क्यूबिक मीटर से ऊपर। ठीक है, तो यहां पर आपका पेलोडर भी खत्म। अब आता है बारी डीपर सॉबेल की, किसकी बार आ रही है, डीपर सॉबेल की। अब इसमें पहला क्वेश्चन वही निकल के आएगा कि डीपर सॉबेल भैया किस पे चलता है, टायर पे चलता है या चैन पे चलता है। तो भैया ये चलता है क्लाउलर चैन, किस पे चलता है, क्लाउलर चैन। डीपर सॉबेल में इलेक्ट्रिक जब वोल्टेज सप्लाई है वो कितना है, सप्लाई वोल्टेज। डीपर सॉबेल में इलेक्ट्रिक सप्लाई वोल्ट कितना है, कितना है, 3300, कितना है, 3300। ठीक है, डीपर सॉबेल किससे चलता है भैया, डीजल से चलता है, इलेक्ट्रिक से चलता है। तो भैया ये दोनों से चलता है, इलेक्ट्रिक से भी चलेगा और डीजल से भी चलेगा, इलेक्ट्रिक से भी चलेगा और डीजल से भी डीपर सॉबेल चलेगा। अब बात करते हैं इसकी बकेट कैपेसिटी, डीपर सॉबेल की बकेट कैपेसिटी क्या होती है, क्या होगी, 1 क्यूबिक मीटर से लेके 4.5 क्यूबिक मीटर तक, कितना होगी, 1 क्यूबिक मीटर से टू 4.5 क्यूबिक मीटर। मैंने पहले भी बताया कि किसी भी सॉवेल, डोजर या ओपन कास्ट में जो भी मशीनें चलती है ना, तो उसका जो विशालता है, उसका जो बड़ा है, उसका कार्य क्षमता है, हम लोग किससे नापते हैं, मैक्सिमम हम लोग उसके बकेट कैपेसिटी से नापते हैं। हम लोग सीधा बोलते हैं भाई बकेट कैपेसिटी क्या है, वहीं से हम लोग को मोटा मोटी अनुमान लग जाता है कि क्या पावर है इसका। ठीक है, तो बकेट कैपेसिटी ओपन कास्ट माइंस में बहुत मायने रखता है किसी भी मशीन के लिए। ठीक है, तो डीपर सॉबेल का बकेट कैपेसिटी कितना होगा, 1.1 क्यूबिक मीटर टू 4.5 क्यूबिक। चलिए अब क्वेश्चन आता है कि डीपर सॉबेल अपने मध्य अक्ष पर कितने डिग्री तक घूम सकता है, डीपर सॉबेल अपने मध्य अक्ष पर कितने डिग्री तक घूम सकता है। तो भैया 360 डिग्री, कितने, 360 डिग्री घूम सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा डीपर सॉबेल का, कि डीपर सॉबेल को काम पर लगाते समय उसका क्लाउलर चैन टो के कितने मीटर के अंदर रखते हैं। इस तरह का जो क्वेश्चन जब आता है ना एग्जाम में भैया, मैं बता दूं तभी क्या होता है, रेगुलेशन रूल एक्ट सब दिमाग से फ्यूज उड़ जाता है, ये तो कहीं दिले नहीं था, कानपट्टी से पसीना गिरना शुरू हो जाएगा, इसी तरह का क्वेश्चन। और डीजे देशमुख साहब का जो है ना, यही सब बीच बीच से निकल के क्वेश्चन आपको आएगा जो आपको परीक्षा में परेशान करेगा। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन है ना भैया, जरा बढ़िया से तजुर्बे से लिख के रख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कि डीपर सॉबेल को काम पर लगाते समय क्लाउलर चैन टो के कितने मीटर के अंदर रखते हैं, कितने मीटर के अंदर, 3 to 5 meters, कितने, 3 to 5 meters। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है कि डीपर सॉबेल में बूम एंड बकेट हॉरिजेंटली कितने डिग्री पर स्विंग करता है, क्या है, डीपर सॉबेल में बूम एंड बकेट हॉरिजेंटली कितने डिग्री पर स्विंग करता है, कितने डिग्री पे करेगा भैया, 90 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि डीपर सॉबेल से नॉर्मली एक डंपर को भरने में कितना बकेट लगता है, क्या है, डीपर सॉबेल से एक डंपर को भरने में लगभग कितना बकेट लगता है। तो भैया अप्रोक्सीमेट 5 बकेट, कितना लगेगा, 5 बकेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है कि डीपर सॉबेल में ट्रिप केबल कितना लास्टिंग करता है, क्या अगला क्वेश्चन, कि डीपर सॉबेल में ट्रिप केबल कितना लास्टिंग करता है, कितना लास्टिंग करेगा भैया, 35 आवर, ट्रिप केबल लास्टिंग करेगा कितना, 35 आवर। अब बात करते हैं होस्टिंग, होस्टिंग केबल कितना लास्टिंग करता है भैया, तो होस्टिंग केबल लास्टिंग करेगा 100 आवर, कितना लास्टिंग करेगा, 100 आवर तक, किसमें, डीपर सॉबेल, डीपर सॉबेल में ट्रिप केबल 35 आवर लास्टिंग करेगा
और हॉस्टिंग केबल कितना लास्टिंग करेगा? 100 आवर। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि डीपर सॉबेल एक शिफ्ट में कितना बकेट लोड कर सकता है या करता है। क्या है कि डीपर सॉबेल एक शिफ्ट में कितना लोड कर सकता है या करता है, कितना करेगा? 450 से 500 बकेट। कितना? 450 से 500 बकेट। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कॉमनली जो है हम लोग जनरली हम लोग ओपन कास्ट माइंस में किस साइज का हम लोग सॉबेल लगाते हैं। जनरली डीपर सॉबेल का बकेट कैपेसिटी जो दिया हुआ था 1 क्यूबिक मीटर से लेके 4.5 क्यूबिक मीटर तक, लेकिन जनरली हम लोग ओपन कास्ट माइंस में कौन सा बकेट साइज का डीपर सॉबेल लगाते हैं? तो भैया वो लगाते हैं हम लोग 2 क्यूबिक मीटर से लेके 4.6 क्यूबिक मीटर तक का, 2 क्यूबिक मीटर से लेके 4.6 क्यूबिक मीटर। लेकिन अगर सवाल ये दाग दे कि बिग जो बकेट साइज है डीपर सॉबेल का, जो बड़े साइज का बकेट सॉबेल है डीपर सॉबेल, उसका बकेट साइज, उसका बकेट कैपेसिटी कितना होता है भैया? तो 8.3 क्यूबिक मीटर से लेके 10 क्यूबिक मीटर का जो बकेट साइज होगा उसको हम लोग बिग डीपर सॉबेल बोलेंगे। बिग डीपर सॉबेल का बकेट साइज क्या होगा? 8.3 क्यूबिक मीटर से लेके 10 क्यूबिक मीटर तक। ठीक है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा, ध्यान से सुनिएगा, हमेशा दागता है ये क्वेश्चन कि भैया इंडिया में 10 क्यूबिक मीटर का सॉबेल कहां पर चलाया जा रहा, किस माइंस में चलाया जा रहा, किस प्रोजेक्ट में चलाया जा रहा? 10 क्यूबिक मीटर बकेट साइज का सॉबेल इंडिया में कहां चल रहा? तो भैया वो चल रहा मलानखंड कॉपर प्रोजेक्ट में। कहां चल रहा है? मलानखंड कॉपर प्रोजेक्ट में चल रहा है। ठीक, चलिए आगे बोलते कि पुल सॉबेल और हो, क्या क्वेश्चन? पुल सॉबेल और हो कितने डेप्थ तक की खुदाई कर सकता है? पुल सॉबेल और हो कितने डेप्थ तक खुदाई कर सकता है? कितने डेप्थ तक? 3.5 मीटर टू 6 मीटर। कितना? 3.5 मीटर टू 6 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डंपर और टीपर का डाला अनलोड करते समय किस एंगल पर उठता है? डंपर और टीपर जब ओबी लेके या कोयला लेके जब यार्ड में जाता है, जब वो अनलोड करता है, तो वो जो डाला का जो एंगल बनता है वो कितना एंगल बनेगा भैया? 70 डिग्री। कितना बनेगा? 70 डिग्री। ठीक है, अब बात आता है कहां से? ड्रग लाइन। ड्रग लाइन का पहला क्वेश्चन कि ड्रग लाइन का बूम कितने एंगल तक घूमता है? कितने एंगल तक घूमता है? 90 डिग्री तक। दूसरा क्वेश्चन कि ड्रग लाइन का मैक्सिमम यूज कहां होता है? कहां होता है भैया? ड्रग लाइन का मैक्सिमम यूज होता है मलबा को ढेर लगाने के, मलबा का ढेर लगाने में, वो भी एक जगह से दूसरे जगह रखने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ड्रग लाइन क्लॉलर चैन किस पे चलता है? ड्रग लाइन किस पे चलता है भैया? तो ड्रग लाइन चलेगा क्लॉलर चैन पर, और किस पे चलेगा? वॉकिंग पैड पे। ड्रग लाइन दो चीज पे चलता है, क्लॉलर चैन पे चलता है और वॉकिंग पैड पे चलता है। क्लॉलर चैन पे जो ड्रग लाइन चलेगा उसकी स्पीड क्या होगी? उसकी स्पीड होगी 0.2525 किलोमीटर पर आवर। वो ड्रग लाइन जो क्लाउलर चैन पे चलेगा उसका स्पीड क्या होगा? 0.5 किलोमीटर पर आवर। और जो वॉकिंग पैड पे चलेगा उसकी स्पीड क्या होगी? 0.8 टू 0.6 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या बोलता है अगला क्वेश्चन? क्या बोलता है दोस्त कि रोड ग्रेडर चलाने के लिए किस पहिए का यूज होता है? या क्वेश्चन ये डाक दे कि रोड ग्रेडर का जो कंट्रोलिंग होता है वो कौन से पहिए से होता है? तो रोड ग्रेडर जो है ना उसका जो कंट्रोलिंग होता है वो कौन से पहिए से होगा भैया? पिछले पहिया से। और उसको क्या बोलेंगे?
रेयरर व्हील ड्राइव क्या होता है? रोड ग्रेडर रेयरर व्हील ड्राइव होता है, पिछले पहिए से कंट्रोल होता है, रेयरर व्हील ड्राइव। ठीक है, अब बात करते हैं कि रोड ग्रेडर के जो ब्लेड होता है उसकी लेंथ क्या है। रोड ग्रेडर के ब्लेड की लेंथ क्या है? क्या है ब्लेड की लेंथ? 4.5 to 4 meter। अब आता है क्वेश्चन रॉक ड्रिल। रॉक ड्रिल के द्वारा किए गए होल का डाया क्या होगा? क्या है क्वेश्चन? कि रॉक ड्रिल के द्वारा किए गए होल का डाया क्या होगा या क्या होता है? तो नॉर्मली क्या होगा? up to 100 mm। नॉर्मली up to 100 mm। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि जैक हैमर ड्रिल किस प्रकार का ड्रिल मशीन है? जैक हैमर ड्रिल किस प्रकार का ड्रिल मशीन है? किस प्रकार का? तो कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड ड्रिल है। क्या है? कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड ड्रिल, यानी कंप्रेसर से चलने वाला ड्रिल मशीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि जैक हैमर ड्रिल का वेट कितना होगा? कितना वजन होगा भैया? 15 to 25 kg, 15 to 25 kg। ठीक है, और यह जैक हैमर जो है ये कितने एमएम के होल का डाया बनाएगा? ये जो होल करेगा उस होल का डाया क्या होगा? तो 30 mm to 38 mm। कितना होगा? 30 mm to 38 mm। किंतु रेयरली ये 50 mm तक का भी मार सकता है। ठीक है, लेकिन ये होल का डाया क्या होगा? 30 to 38, रेयरली 50 mm। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि जैक हैमर ड्रिल जो है वो कितने डेप्थ तक का होल करता है? तो भैया ये 3 meter तक का होल करता है। जैक हैमर 3 meter डेप्थ तक का होल करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैक हैमर ड्रिल का ड्रिल रॉड कैसा होता है। जैक हैमर ड्रिल मशीन का जो ड्रिल रॉड है वो कैसा होगा? हेक्सागोनल इन क्रॉस सेक्शन। कैसा होगा ड्रिल रॉड? हेक्सागोनल और क्रॉस सेक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि जैक हैमर ड्रिल मशीन से एक शिफ्ट मतलब 8 घंटे में 2 वर्कर कितना होल करेगा? कितना होल करेगा भैया? तो 60 होल करेगा, 60 होल। और उस होल की डेप्थ क्या होगी? तो उस होल की डेप्थ होगी 1.2 meter to 1.5 meter। कहां लगेगी? सैंडस्टोन या लेटराइट। तो जैक हैमर ड्रिल से एक शिफ्ट में 8 घंटे में 2 वर्कर मिलके 60 होल मारेगा। कितना डेप्थ का? 1.2 से लेके 1.5 मीटर का। कहां मारेगा? सैंडस्टोन या लेटराइट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि जैक हैमर ड्रिल मशीन कितना एयर कंज्यूम करता है? क्या है कि जैक हैमर ड्रिल मशीन कितना एयर कंज्यूम करता है? जनरली कितना करेगा भैया? 2 से लेके 2.5 क्यूबिक मीटर ऑफ फ्री एयर पर मिनट। कितना करेगा? 2 to 2.5 क्यूबिक मीटर ऑफ फ्री एयर पर मिनट। तो भैया आज के ये प्रयास मेरा यहीं तक रोकता हूं। आशा करता हूं ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। दोस्तों चलते चलते आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों मेरे हिम्मत को बढ़ाइए। और ये आपका मोटा मोटी 2 वीडियो ओपन कास्ट में आएगा, और 1 वीडियो आज दे दिया, 2 वीडियो में आपका ओपन कास्ट खत्म हो जाएगा। लगभग आपका ओपन कास्ट में 128 क्वेश्चन बनाया दोस्तों, चैप्टर 5 डीजे देशमुख से। और ओपन कास्ट खत्म होने के बाद मैं शुरू करूंगा कोल एंड कोल फील्ड एरिया। ठीक है, चलते चलते गुजारिश करूंगा दोस्तों, मेरे हिम्मत को बढ़ाइए, मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में बांटिए। धन्यवाद।